नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को मात्र कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं रीजनिंग के पांच महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं। विकल्प के रूप में दिए गए चार उत्तरों में से हल ना किए गए समीकरण का उत्तर दीजिए। तो कौन सा समीकरण हल नहीं किया गया, यह लास्ट वाला दोस्तों समीकरण आपको दिख रहा है ना, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह, यहीं पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो देखेंगे यह पहला समीकरण कैसे हल किया है, उसी प्रकार से ये दूसरा भी किया होगा और उसी प्रकार से दोस्तों हम तीसरा समीकरण हल करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है। तो ये प्रश्न कैसे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 8 × 7 × 6 दिया है, तो ये आप नहीं करेंगे 8 × 7 = 56, 56 × 6 यानी 336, ऐसे नहीं आंसर इसका करेंगे कि 336 दिया भी नहीं, ठीक है। तो इसको दोस्तों एक विशेष प्रकार से हल किया गया है। 8 × 7 × 6 का मतलब है ना दोस्तों, ये 8 को क्या लिखा है दोस्तों, 7 लिखा है, 7 को क्या लिखा है दोस्तों, 6 लिखा है, 6 को क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा है। अब समझ गए होंगे ये क्या कर रहा है, 8 में से क्या किया दोस्तों, 1 माइनस कर दिया है, 7 में से क्या किया है, 1 माइनस कर दिया है, 6 में से क्या किया है, 1 माइनस कर दिया है और लिख दिया है ज्यों का त्यों, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे दूसरा कर रहा है कि नहीं, 5 को दोस्तों क्या है, 5 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 4 लिखा है, 3 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 2, 2 लिखा है, 2 को क्या लिखा है दोस्तों, 1 लिखा है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कर क्या रहा है दोस्तों, सभी संख्याओं में से 1 1 घटा के लिख दे रहा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 1 घटा देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 8, ठीक है। 6 को क्या लिखेंगे, 6 में से 1 घटा देंगे हो जाएगा 5, 4 को क्या लिखेंगे, 4 में से भी 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 853 हो जाएगा। यह प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या होगी, 853 होगा। 853 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों क्या करता है, कभी कभी इसमें संख्या कुछ जोड़ देता है, कुछ घटा लेता है, इसमें क्या किया है, -1 सब में किया, ठीक है। आगे प्रश्न आए कभी जोड़ भी दे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, बस इस टाइप के प्रश्न आए तो यही करता है, कुछ जोड़ता है या कुछ घटा देता है, ठीक है, या किसी विशेष संख्या से गुणा कर देता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आए तो आप ऐसे सोचेंगे तो कुछ ही सेकंड में दोस्तों इसका आंसर दे लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों ये प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, उस संख्या को चुनिए जो समूह में दूसरे के समान नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों जो आपको चार विकल्प दिख रहे हैं ना, ये इन्हीं में आपको बताना है कि तीन जो विकल्प है एक जैसे हैं और एक विकल्प ऐसा है जो तीन से अलग है, उन्हीं को आपको पहचान करके बताना है। तो इसको कैसे दोस्तों सॉल्व करेंगे, पहले तो विकल्प में दोस्तों जो संख्याएं दी गई हैं उसे हम ध्यान से देखेंगे कि वो संख्याएं हैं क्या। तो इसमें देखिए दोस्तों 16 है, 81 है, 64 है और 25 है। अगर जो दोस्तों मैं कहूं ये 16, 81, 64, 25 क्या है, तो आप बोलेंगे दोस्तों ये 16 दोस्तों ये 4 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है। 81 दोस्तों क्या है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 64 दोस्तों क्या है, ये 8 का स्क्वायर है। ये 25 क्या है दोस्तों, ये 5 का स्क्वायर है। आप तो बोलेंगे दोस्तों कि ये सभी तो किसी न किसी संख्या के स्क्वायर है, ठीक है, आप बोलेंगे किसी न किसी संख्या के ये सभी स्क्वायर है, ठीक है। तो जब सभी स्क्वायर है तो सभी तो एक जैसे हो गए, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये जो 64 है ना, ये 64 क्या है, ये 4 का क्यूब भी है और इसमें और कोई ऑप्शन क्यूब नहीं है। 16 किसी संख्या का क्यूब नहीं होता है, 81 किसी संख्या का क्यूब नहीं होता है, 25 किसी संख्या का क्यूब नहीं होता है, ठीक है। 64 क्या होता है दोस्तों, 4 का क्यूब भी होता है। तो ये 64 क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन ऑप्शन से अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि ये एक संख्या, ये एक पूर्ण क्यूब भी है, एक पूर्ण ये स्क्वायर भी है, ठीक है, यानी कि ये एक क्यूब भी है और ये एक संख्या का स्क्वायर भी है। तो इसलिए दोस्तों ये 64 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और दोस्तों ये प्रश्न आएगा आगे आपकी परीक्षा में तो आप सॉल्व कर लेंगे और आप इसको देखते ही आंसर दे लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसको कैसे समझे दोस्तों, क्या किया है दोस्तों, ये किसी न किसी संख्या के सभी स्क्वायर हैं, लेकिन
लेकिन ये कि संख्या 164 एक ऐसी है जो स्क्वायर के साथ साथ किसी संख्या यानी कि 4 का क्यूब भी है, तो इसलिए दोस्तों ये एक संख्या क्या हो गई, अलग हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है और इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान कीजिए। लुप्त अक्षर कहाँ है, यहाँ पे दोस्तों है ना डैश लगाए, यहीं पे दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी अक्षर आएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो हम श्रृंखला देखेंगे, श्रृंखला चल कैसे रही है, बी है, डी है, एच है, जे है, एन है, यानी श्रृंखला दोस्तों बढ़ते हुए आगे बढ़ रही है, यानी बढ़ते हुए संख्या में चल रही है ना, आरोही क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए जा रही है। तो हम देखेंगे कि इनके बीच कितने का डिफरेंस है, यानी कि अंतर कितने अक्षरों का है। तो बी के बाद दोस्तों क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है ना, तो सी छोड़ के दे क्या दिया है, डी दे दिया है। डी के बाद दोस्तों क्या आता है, डी के बाद आता है ई, एफ और जी। ठीक है, इतना गैप देने के बाद क्या लिखा है दोस्तों, एच लिखा है, तीन का गैप है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों एक का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, तीन का गैप है। एच के बाद दोस्तों क्या आता है, एच के बाद आता है दोस्तों आई, ठीक है, एक का गैप है। उसके बाद लिख दिया है जे, यानी कि यहाँ पे कितने का गैप है, एक का गैप है। जे के बाद दोस्तों क्या आता है, जे के बाद दोस्तों आता है के, उसके बाद एल और यम, यहाँ पे कितने का गैप लिया है, तीन का गैप लिया है। उसके बाद लिखा है एन, समझते हुए चलिएगा। बी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी को छोड़ दिया, डी लिख दिया। डी के बाद दोस्तों ई, एफ, जी, तीन छोड़ के एच लिख दिया। एच के बाद दोस्तों आई आता है, आई को छोड़ के जे लिखा, यानी कि एक का गैप है। जे के बाद दोस्तों के, एल, एम, तीन छोड़ा है, उसके बाद एन लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखते हुए चलिएगा, एन के बाद क्या लिखा जाएगा, पहले देखिए दोस्तों एक छोड़ा है, उसके बाद क्या छोड़ा है, तीन, उसके बाद दोस्तों एक, उसके बाद क्या, तीन, अब आगे क्या छोड़ेगा दोस्तों, एक, एक का दोस्तों यहां पे गैप लेगा, एक का, जब एक का गैप लेगा तो क्या छूट जाएगा दोस्तों, ओ छूट जाएगा, उसके बाद ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी। तो यहाँ पे भरा जाने वाला अक्षर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। पी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप का दोस्तों प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये किया क्या है दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे एक का गैप लिया है, उसके बाद तीन, फिर एक, उसके बाद तीन, फिर क्या लेगा दोस्तों, एक का गैप लेगा। तो एन के बाद दोस्तों क्या आता है, यम, एन, ओ आता है ना, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो ओ हम छोड़ देंगे, हो क्या जाएगा दोस्तों, पी। ठीक है, तो यहां पे कौन सा अक्षर हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। बस इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, गैप देखा जाता है, गैप एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक सीरीज में चल रहा है, एक का गैप चला था, तीन का गैप चला था, एक का गैप, तीन का गैप, फिर एक का गैप चल जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा पी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखने से पहले बता दूं दोस्तों आपके लिए दोस्तों एक पंचम पब्लिशर की बहुत ही अच्छी ई बुक है दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है दोस्तों। आगामी आपके जो भी परीक्षा होंगे, जैसे आप आरपीएफ की एग्जाम देंगे, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, एसआई, लेखपाल, रेलवे, एसएससी की कोई एग्जाम देंगे या अदर दोस्तों आप कोई सभी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट ई बुक है। इस ईबुक में दोस्तों उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों। आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम है तो इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा दोस्तों। इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत ₹150 रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र ₹25 में मिल जाएगी। इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहां से सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों, आप उस लिंक के थ्रू इस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही इसे पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में या ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो पंजाब पब्लिशर को दोस्तों यहां कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर दोस्तों आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं दोस्तों। इस ईबुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों परीक्षा से पहले पहले इस ईबुक को लेकर एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है और हमेशा दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जाता है और इस टाइप के प्रश्न आएगा दोस्तों परीक्षा में तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों,
प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। लुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है ना, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले तो संख्या श्रृंखला जो दिया गया है उसे देखेंगे ध्यान से, कैसी श्रृंखला है। श्रृंखला में देखेंगे 23 है, 5 है, 25 है, 7 है, 27 है, 9 है, 31 है, 4 है, 53 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, संख्या पहले बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है, ऐसे ना। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ऐसे देखेंगे, जब ऐसे चलती हो ना तो देखेंगे दोस्तों 23 के बाद क्या है दोस्तों, एक संख्या छोड़ के 25 यानी कि 2 का गैप। 25 के बाद क्या है दोस्तों, 27, कितने का गैप है, 2 का गैप। 27 के बाद क्या है, 31 है, कितने का गैप हो गया, 4 का गैप हो गया। 31 के बाद क्या है दोस्तों, 31 के बाद 53 है, 22 का गैप हो गया। दोस्तों ये क्या है, श्रृंखला एक सीक्वेंस यानी एक सीरीज में ये नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है, पहले तो 2-2 का गैप चला है, फिर 4 का, फिर 22 का। तो ये क्या है दोस्तों, एक सीक्वेंस यानी एक सीरीज में नहीं चल रहा है। नीचे वाला देखते हैं, 5 है, 5 के बाद 7 है, 2 का गैप है, 7 के बाद 9 है, 2 का गैप है, फिर उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया, -5 कर दिया, ठीक है। तो इससे जो दोस्तों साफ जाहिर हो जाता है कि ये दोस्तों ये सीरीज में नहीं संख्याएं चल रही हैं। जब दोस्तों श्रृंखला एक सीरीज में नहीं चलती है तब क्या किया जाता है, जब देखिएगा अगर जो ये सेम गैप चलता, 2-2-2-2 का चलता, तब तो ये सॉल्व हो जाता नीचे, या 3-3 का चलता, या 4-4 का चलता, किसी भी समान संख्या का दोस्तों गैप लेके चलता तब तो ये आसान होता सॉल्व करने में, ठीक है। जब अगर जो समान संख्या में न चले तब क्या किया जाता है दोस्तों, देखिएगा तब इसमें इसका आंसर इसी में छिपा होता है। कैसे कि दोस्तों यहाँ पे ये 23 है, 23 है ना, 23 किन दो संख्याओं से दोस्तों मिलके बना है, 2 और 3। हम 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, देखिए 5 यहाँ पे दिया हुआ है। 25 दोस्तों किन दो संख्याओं से मिलके बना है, 2 और 5, हम 2 और 5 को दोस्तों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7, देखिए 7 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है दोस्तों, बड़ी संख्या को जोड़ के छोटी संख्या बना दे रहा है, यानी कि 2 अंकों को संख्या को जोड़ के 1 अंक की संख्या बना दे रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, 27 है ना, 27 में कौन कौन से संख्या है दोस्तों, 2 और 7 है, ठीक है। 2 और 7 को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है। 31 है दोस्तों, 31 में कौन कौन से संख्या है, 3, 1, ठीक है, 3+1 दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। 3+1 करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब देखिए 5+3 यानी कि 53 है ना, ये 53 5 और 3 से मिलकर बना है, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे भरा जाने वाला संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है आपका। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों जब भी कभी भी श्रृंखला जब चले और समान रूप से आपको संख्याएं ना दिखाई दे, तब ये ऐसे मेथड को अप्लाई करेंगे, ऐसे आप सोचेंगे, ठीक है। सोचने का तरीका भी देख लीजिएगा, जब श्रृंखला समान रूप से नहीं दिखा है तब क्या किया है दोस्तों, हम इन दोनों संख्याओं को जोड़े हैं तो 5 आ गया, इन दोनों संख्याओं को जोड़े तो 7 आ गया, इन दोनों 2 और 7 को जोड़े 9 आ गया, 3 और 1 को जोड़े 4 आ गया, और 5 और 3 को जोड़े तो क्या आ जाएगा, 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है आपका। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो गया, सही हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गएंगे, और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। और पांचवा प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, दोस्तों अगर आप मैथ में वीक हैं, मैथ बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक मैं चैनल बनाया हूं, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। दोस्तों कुछ दिनों में जब वहां पे मैथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो दोस्तों मैथ में आपको प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पे जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। तो देखिए दोस्तों पांचवा प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद जाइए उस चैनल पे। देखिए प्रश्न है दोस्तों, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों ये एक श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको बताना है गलत। जब कभी भी दोस्तों गलत बताना होता है तो आप पहले क्या करेंगे, संख्या में जो श्रृंखला दी गई है, जो संख्याओं की श्रृंखला दी गई उसको ध्यान से देखेंगे ये किस प्रकार से आगे बढ़ रही है या घट रही है। तो ये 462 है, उसके बाद से बढ़ा है 561, उसके बाद से घटा है 385, उसके बाद 342, 396। दोस्तों ये हुआ क्या है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे दोस्तों ये कोई श्रृंखला
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 400 से तो 500 हुआ है, 400 से 500 हुआ है, और 500 से 300 हुआ है, फिर 300 से 300 पे है, फिर 300 पे ही है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? कोई श्रृंखला नहीं है। जब आपको पता लग जाए कि ये कोई श्रृंखला नहीं है, तब क्या करते हैं, कौन सा मेथड अपनाते हैं? अभी जो पिछले क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा होता है, ठीक है। कैसे इसको देखेंगे? ये जो दोस्तों जो 462 है, ये 4, 6, 2, 462 ना, पहले और तीसरे संख्या को जोड़ेंगे, पहले और तीसरे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, 2 क्या होता है दोस्तों? 4, 2, 6। 561 में कौन कौन से संख्या है? 5, 6, 1, ठीक है। 5 और 1 को हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बीच वाला संख्या प्राप्त हो रहा है पहला और तीसरा को जोड़ने पे। 3 और 5 को जोड़ेंगे इसमें 385 में, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बीच में ये दिया हुआ है। 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 2 क्या होता है? 5 होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों दिया क्या हुआ है? 4 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब आगे वाले को देख लीजिए, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये बीच में आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, बीच में 9, तो इसमें कौन सा गलत श्रृंखला है? आपको पता लग गया होगा कौन सा गलत श्रृंखला है। ये 3 2 को जोड़ेंगे तो 5 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है दोस्तों? बीच में 4 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ये जो श्रृंखला है ये गलत है। 342, 342 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न में देखिएगा पूछा क्या है, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, गलत आपको बताना है, ठीक है। तो गलत यही हो गया 342। क्यों हो गया? क्योंकि पहले और तीसरे संख्या को जोड़ने पर ये बीच वाला संख्या नहीं आ रहा है, सब सब जितने भी संख्या दी गई है, जैसे 462 है, 4 और 2 को हम जोड़े तो बीच वाला 6 आपको प्राप्त हो गया, 5 और 1, 561 में 5 1 को जोड़े तो बीच वाला संख्या प्राप्त हो गया, 385 में 3 और 5 को जोड़े तो 8 प्राप्त हो गया, 342 में दोस्तों 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, लेकिन दिया क्या है दोस्तों? यहाँ पे 4 दिया है, तो इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला संख्या गलत है, और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो इसमें 9 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, सभी में हो रहा है, लेकिन ये 342 में नहीं हो रहा है, तो 342 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, अगर दोस्तों आपको ये सब सारे प्रश्न अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो नीचे दोस्तों रेड कलर का स्टेप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, वहां पर क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन जरूर कर लीजिएगा। ये ऑन कर लेंगे तो ऐसे दिखने लगेगा, जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जाएगी, यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।